हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो का क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन था 2^(m+n)/(2^(n-m)=16। पिछले वीडियो का यह क्वेश्चन है, आप लोग पिछले वीडियो को जाकर के देखिए, उसमें एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चन को पढ़ाए गए हैं और उन्हीं पे आधारित कुछ क्वेश्चन को आप लोगों को दिए गए हुए थे, उसी क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन होगा। तो आप लोग अपना माइंड सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर रखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से इसे मैच कीजिएगा, ठीक है। 3^(p/3^n)=81। a = 2^(1/10)। तो आपको निकालना था a^(2m+n-p), ठीक है। स्टार्ट a^(m-2n+2p)-1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जरा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, a^(2m+n-p) डिवाइडेड बाई, देखिए यहां -1 दिया हुआ है तो इसके नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा हुआ है। जब इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो यह -1 हमारा क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/a^(m-2n+2p) लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यह हमारा चला जाएगा ऊपर, a^(2m+n-p)(2) हो जाएगा आपका a^(m-2n+2p) हो जाएगा। और देखिए यहां पे बेस दोनों का सेम है, तो बेस जब सेम होगा तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, तो a^(2m+n-p) और यहाँ पे जोड़ का साइन हो जाएगा +m-2n+2p हो जाएगा, या a^(2m देखिए 2m और +m कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए +n-2n -n हो जाएगा, -p+2p+p हो जाएगा। एक स्टेप और हम लोग आए, a^(3m प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं p-n, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात यह आ रहा कि m का वैल्यू निकालना है और यहां पे हमको p-n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि कुछ स्पेस हमको यहां पे मिल जाएगा। अब देखिए यहां पे हमें निकालना है m की वैल्यू और यहां पे p-n की वैल्यू, तो इसको हम लोग निकालेंगे इससे, है ना। ये जो हमारा दिया हुआ है इसी से हम लोग निकालेंगे m की वैल्यू और p-n की वैल्यू, गिवन दिया हुआ है 2^(m+n)/(2^n-m)=16। या देखिए दोनों का बेस सेम है और दोनों हमारा किस चीज में है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, तो
टू टू दी पावर एम प्लस एन माइनस कर देंगे एन माइनस एम इज इक्वल टू 16 को हम लिख सकते हैं टू टू दी पावर फोर ऐसे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। या टू टू दी पावर एम प्लस एन माइनस कर देंगे एन प्लस कर देंगे एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू टू दी पावर फोर हो जाएगा। यार देखिए एन से एन कट गया प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, टू टू दी पावर एम प्लस एम टू टू दी पावर टू एम इज इक्वल टू 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 दी पावर फोर हो गया। अगले स्टेप में जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि दोनों का बेस क्या है ना सेम है, तो बेस जब सेम है दैट मीन्स कि ये दोनों पावर हमारा क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है तो टू टू दी पावर टू एम इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, ये सॉरी टू एम इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा। तो टू से फोर को काटेंगे तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। ठीक है अब फिर यहां से आते हैं तो यहां पर तो हमको एम की वैल्यू यहां पे हमें मिल गई है ना, एम का वैल्यू हम यहाँ पे पुट जाने कर सकते हैं। अब चाहिए हमको पी माइनस एन की वैल्यू, उसको हम निकालेंगे यहां से। ठीक है आप इस सॉल्यूशन को नोट करते चलिएगा, देखिए थ्री टू द पावर पी बाई थ्री टू द पावर एन इज इक्वल टू 81। या देखिए दोनों का बेस सेम है तो इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 81 को हम लिख सकते हैं थ्री टू द पावर फोर 81 को जब आप क्या कीजिएगा फैक्टराइज कीजिएगा प्राइम फैक्टर तो आपका क्या आएगा थ्री वन जा थ्री 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 जा नाइन ठीक है ना थ्री फिर जो है ना नाइन थ्री जा 27 और 27 थ्री आर 81 आएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ना थ्री टू द पावर फोर। तो देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो बेस जब सेम होगा तो दोनों का पावर जो है क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे हम लोग, देखिए एक की वैल्यू कितनी है टू टू द पावर 1/10 है तो इस एक जगह पर हम रख देंगे टू टू द पावर 1/10 ऐसे, और देखिए थ्री का थ्री हो जाएगा 80। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू हम लोग इसके पहले निकाले है ना, ठीक है ना एम की वैल्यू हमारी कितनी है थी एम की वैल्यू हमारी 2 आई थी ठीक है ना, एम का वैल्यू हमारा कितना हो गया 2 हो गया ठीक है ना, प्लस पी माइनस एम की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 1/10 इंटू थ्री टू आर 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से कट गया 10 टू टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 आंसर हो गया हमारा। आप लोग मैच कर लीजिएगा ठीक है ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 था वह क्वेश्चन है हमारा 5 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड 13 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1। इसको हमें यहां पे सॉल्व करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 2 इस फॉर्मूला से, ए टू द पावर x प्लस वाई को हम लोग कैसे लिखते हैं ए टू द पावर x इंटू ए टू द पावर y, इसी को फॉर्म में हम इसको यहां पे छोड़ दिए माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1 हो जाएगा डिवाइडेड 13 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू फिर इसको हम लोग तोड़ देंगे इस फॉर्म पे तो 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1 हो जाएगा। अब दोनों में देखिए 5 टू द पावर n जो है यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है तो 5 टू द पावर n को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 5 टू द पावर 2 माइनस 5 टू द पावर n से कट गया 5 टू द पावर n हमारा क्या बच गया 6 इंटू 5 6 इंटू 5 यहाँ पे हमारा शेष रह गया। और फिर इन दोनों ये हमारा एक टर्म हुआ ये हमारा एक टर्म है और ये हमारा एक टर्म है
दोनों जो है टर्म में से हम लोग को यहाँ से क्या निकलना है, फाइव टू द पावर एन को बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 13 बचेगा, माइनस 2 इंटू फाइव हमारे यहाँ पे बच जाएगा, या 5 टू द पावर एन से कट गया, 5 टू द पावर एन, 5 फाइव आर 25, माइनस 6 फाइव आर 30 बाई 13, माइनस कितना हो जाएगा, 5 टू आर 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 5 बाई 3। यह आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चले क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये आपको स्टेप समझ में आया है या नहीं आया है ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। एमपीएस के द्वारा जो साइट का निर्माण किया गया, जिसको बनाया गया, उस साइट पे है ना मेरे वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको समझ में आया या नहीं आया, दोनों लिखिएगा, आया तो भी लिखिएगा, नहीं आया तो भी लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ 2 टू द पावर एन इज इक्वल टू 1024, तो आपको यहां पे निकालना है 3 टू द पावर 2 इंटू एन बाई 4 माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म पे है। तो हम आपको बताए थे कि अगर एक्सपोनेंट का अगर ऐसा रूप हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे, एक्स रहेगा ऊपर और या वाई चलाएगा नीचे। इस रूप में हम इसको यहां पे सॉल्व करेंगे, यहां पे क्या छुपा है, स्क्वायर रूप में तो छुपता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर एन बाई 2 कर देंगे इज इक्वल टू 1024 को जब आप फैक्टराइज कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका कितना आएगा, 512 आएगा। ठीक है, फिर 2 से कीजिएगा तो आपके यहां कितना आएगा, 256 आएगा, फिर कीजिएगा 128 आएगा, फिर इसको आप यहां पे प्राइम फैक्टर कीजिएगा 64 आएगा, फिर प्राइम फैक्टर कीजिएगा फिर आपका 32 आएगा, फिर प्राइम फैक्टर कीजिएगा 16 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इसका मतलब है 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 टू द पावर 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे हम एन की वैल्यू खा के रख देंगे। ठीक है ना, देखिए 3 टू द पावर 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 20 बाई 4 माइनस 4, 4 से काट देंगे कितने कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 2, 5 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 टू द पावर 2 ही ना रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9। या आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आइए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, यह फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई एक्स टू द पावर 1.5 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि आप जानते हैं पावर ग्रुप में यहां पे 1 होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स टू द पावर 1.5 इज इक्वल टू 8 इंटू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, 8 टू द पावर माइनस 1, इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है,
जैसे हम उसको रिवर्स करेंगे पावर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस सेम है और दोनों किस चीज में डिवाइड में है ना, दोनों जो हमारे में क्वांटिटीज है ना अननोन क्वांटिटीज, ये दोनों हमारे किस रूप में है, डिवाइड के रूप में है, ठीक है। और दोनों का बेस क्या है, सेम है ना। इनफैक्ट कि इनके जो पावर है वो हमारे माइनस हो जाएंगे, एस टू द पावर वन माइनस कितना हो जाएगा 1.5। और यहाँ पे देखिए पावर में क्या है, वन है, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे इंटू के रूप में हो जाएगा, एस टू द पावर वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। या अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एड कर देंगे, चूंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो 1 - 1.5 + 1 = 8, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए x टू द पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 - 1.5 = 8 हो गया। या x टू द पावर देखिए 2 में से क्या 1.5, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 0.5 = कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। या 0.5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 = 8, ठीक है। देखिए x टू द पावर a इज इक्वल टू y टू द पावर b, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y टू द पावर b बाई a हो जाएगा, है ना। सिमिलरली हम इसको वैसे ही जो ना करेंगे, x इज इक्वल टू 8 हो गया, इसके ऊपर पावर कितना है 1 है, y हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8, अब ये 2 चला जाएगा ऊपर 8 टू द पावर 2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, इस चौथे क्वेश्चन का आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल गया, आप इसको अपने नोटबुक से मिला लीजिएगा, आपके द्वारा सही क्वेश्चन बना है या नहीं, ठीक है। अब आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंट के ऊपर, ठीक है ना, जो क्वेश्चन थोड़े से है ना डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है ना, सॉल्व जो है ना करने में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, जैसा क्वेश्चन है मान लीजिए दिया हुआ है a टू द पावर x इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z टू द पावर y, a टू द पावर y इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z टू द पावर z, और a टू द पावर z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z टू द पावर x, है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, कि x प्लस y प्लस z की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिखने में आपको कितना बड़ा दिख रहा है ना, बाप रे इतना जो है बड़ा क्वेश्चन है और x y z की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है ना, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैथ जो है यह हमारा 100% रूल पे काम नहीं करता है ना, कुछ हमारे एक्सियोम पे भी यह काम करता है, ठीक है ना, एक्सियोम और पोस्टुलेट से हमारा मैथ सॉल्व होता है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि यहां पे हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछी जा रही है, यहां पर ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछी जा रही है, यही हमसे पूछा जा रहा है और यही चीज यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं और 3 मान लेते हैं। अगर हम यहां पे चलो विचार करें, देखिए सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है, पावर एक्स वाई जेड है, देखिए पावर एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो अगर हम इस तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई अगर हम यहां पे कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई अगर हम इसको करेंगे तो हमको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें यहां पे मिल जाएगी, देखिए a टू द पावर z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z टू द पावर y इंटू x प्लस y प्लस z टू द पावर z इंटू x प्लस y प्लस z टू द पावर x मिल गया। अब देखिए बेसिस का सेम है तो इसका
पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा इज इक्वल टू बेस। देखिए बेस सबका सेम है तो बेस यहां पे सबका सेम हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और पावर यहां पे क्या होगा जी, जुड़ जाएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स। देखिए ये पावर और ये पावर, दोनों पावर आपको यहां पे मिल रहे हैं, तो इसलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। तो एक्सपोनेंट जैसा आपको चैप्टर पढ़ना है क्लास नाइन्थ में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको छोटे मोटे क्वेश्चन जो है पढ़ने हैं, जैसे ए टू द पावर टू इंटू टू टू द पावर टू की वैल्यू क्या होगी, तब तो ये तो आपका है ना क्लास सेवेंथ का क्वेश्चन हो गया। एट में भी इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, और चूंकि आप क्लास नाइन्थ में हो तो आपको थोड़ा तो एडवांस जो है पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, ताकि आपको जानकारी हो सके, है ना। क्योंकि बिना मैथ की जानकारी के आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, है ना। और इस लॉकडाउन पीरियड में चूंकि आप अपने घर पे हैं और विधिवत तरीके से आपकी जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो हमारी यह कोशिश रहेगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप हमारे मॉडर्न पब्लिक स्कूल के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस की जो व्यवस्थाएं हुई है उसके द्वारा आपको कुछ ज्ञान अर्जित हो सके, ताकि जब लॉकडाउन खत्म हो और आप स्कूल आए तो आपको ये ना लगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, है ना। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके और पढ़ने की बाबू आवश्यकता है ना। इसलिए आप इसको पढ़िएगा ध्यान से, और हम यहाँ पे जाते जाते कुछ क्वेश्चन आपको छोड़े जा रहे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देंगे, उस क्वेश्चन को आप अपने घर पे बैठ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए और आज आपका एक्सपोनेंट का लास्ट वीडियो है। वैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके अगर माइंड में हो, या फिर किसी भी अगर मतलब ना बुक्स से अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख करके भेज दीजिएगा, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। या फिर आप इस नंबर पे जब तक लॉकडाउन है ना, तभी तक आप हमारे व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं अपने क्वेश्चन। आइए अब कुछ क्वेश्चन जो है वो हम आपको देंगे होमवर्क के रूप में। जैसे कि हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टू टू दी पावर एम माइनस टू एम टू दी पावर सॉरी टू टू दी पावर एम माइनस टू एम माइनस वन माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो आपको यहां पे निकालना है, फाइंड निकालना है एम टू दी पावर एम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है, पी टू द पावर टू एक्स इंटू पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू पी इंटू पी टू द पावर थ्री एक्स प्लस पी टू द पावर एक्स। फाइंड आपको यहां पे निकालना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर जो आपका तीन है ना, यह जो आपका क्वेश्चन है, जैसे अगर आपको दे दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री टू द पावर टू टू फाइंड, आपको यहां निकालना है माइनस टू एक्स माइनस सिक्स टू द पावर टू इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और हम आपको यहां पे देंगे। सो 25 टू दी पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव टू दी पावर टू एक्स माइनस वन माइनस हंड्रेड,
एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपको यहां पर देंगे, इसके लिए हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, आप इसको या फिर कोशिश करते हैं कि यहाँ पे यह क्वेश्चन अरेंज हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, या आपका क्वेश्चन है ए टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई ए टू द पावर वाई प्लस 1 टू द पावर एक्स प्लस वाई, फिर ए टू द पावर वाई प्लस 2 बाई ए टू द पावर जेड प्लस 2 टू द पावर वाई प्लस जेड, फिर ए टू द पावर जेड प्लस 3 बाई ए टू द पावर एक्स प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आप इन सभी क्वेश्चन को अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा, और नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उस वीडियो में लास्ट आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा जो कि एक्सपोनेंट से है, और इसके बाद आपको रेशनलाइजेशन जो है उसके क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा, है ना। हैव अ नाइस डे।